अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। आज सच्ची में बहुत बड़ा सत्संग हो गया ये, कि आज ना जब मैं सुबह सो के उठी अमृत वेला में, हां जी, जब मैं सुबह अमृत वेला में सो के उठी तो आज पता नहीं मैं, मेरे को ना एक पहला थॉट आता है और वो थॉट ना बिल्कुल सच होता है। और आज जैसे ही मेरे को ये थॉट आया कि उनको बच्चों को चुप कराना, कि जब मैं लास्ट टाइम यश बेटा के घर में आई थी तो मेरे अंकल को कोरोना हो गया था, एकदम बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत तेज फीवर हो गया था, और एक हमारी सेवादार आंटी है उनकी डेथ, उनके अंकल की डेथ हो गई थी। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ मैंने सत्संग शुरू करवाया और चाय प्रसाद लेके मुझे जाना पड़ गया था। मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि यश इतना प्यारा बच्चा है, इतना अच्छा, इतना सुच्चा सेवादार है और हर जगह पहुंचता है। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया, मैं इसी घर से जा रही हूँ। और गुरुजी ने रंगोली की सेवा ले ली, चाय प्रसाद की ले ली और फिर मुझे भेज दिया गया। तो जैसे ही आज मैं सो के उठी तो आज मुझे पता नहीं क्यों थॉट आया अमृत वेले में अचानक से, मैंने कहा गुरुजी लास्ट टाइम ना मैं यश के घर से ना ऐसे जल्दी आ गई थी, कहीं आज ना ऐसा हो जाए कि आज मुझे फिर से वहां से भागना पड़े, एम ही आ गया। कहते ना कभी कभी हमारे मन में गलत और नेगेटिव भी ख्याल आ जाते हैं, क्योंकि हम नहीं लाते, वो अचानक से आ जाते हैं। और फिर मैंने उसको फटाफट निकाल दिया, मैंने कहा नहीं नहीं आज तो मैं उसको कब से बोला हुआ है कि आज लोहड़ी है तो आज तो हम आएंगे ही आएंगे। तो मैं अभी रास्ते में, हम निकले ही थे, 15 मिनट ही हुए थे, तो मेरे बेटे का मुझे कॉल आ गया कि मम्मी आपको नहीं पता आज आप क्यों चले गए हो। मैंने उसकी बात ना सुनी ही नहीं, बच्चों को चुप करा गई, बोलना नहीं, सेवादारी बातें कर रहे हैं। तो मैंने ना उसकी बात ही नहीं सुनी, मुझे ना मुझे लगा वो मुझे बोल रहा है फिर चले गए कोरोना में, आपको मना किया था सत्संग में जाना। मैंने बोला तू चुप कर, मैं ना यश के घर जा रही हूँ, थोड़ी ही संगत बुलाई है, मैंने सारे सत्संग पोस्टपोन कर दिए, एक दो ही सत्संग रह गए वो मुझे करने हैं। कह रहा है वो बोल ही जाए मैं सुनू ही ना। वो कह रहा है नहीं मैंने आपको कल बोला था ना कि मुझे गाड़ी लेनी थी तो आज आप मेरे साथ होने चाहिए थे। तो मैंने बोला तूने तो मुझे नहीं बोला, तूने कल गाड़ी लेनी थी, तेरी गाड़ी आई नहीं, मुझे क्या पता आ जाए। कह रहा है मैंने आपको रात को बोला, झूठ मत बोलो, हमारी बहुत ज्यादा बहसबाजी शुरू हो गई। मैंने बोला मैं छोड़ नहीं सकती सेवा, मैं तू गाड़ी वाले को बोल दे कि मैं 4 बजे आ जाऊंगी। तो मैंने उनको बोला कि बेटा मैं 4 बजे आ, कहता है नहीं, वो नाराज हो गया, उसके मेरे को मैसेज पे मैसेज आने लगे आप हमेशा ऐसे ही करते हो ये वो, कि हमने वैसे 2-3 बार गाड़ियां ली हैं, उसकी बात नहीं थी, आज मैं एक अपनी जिंदगी की इतनी छोटी उम्र में फर्स्ट टाइम बहुत बड़ी गाड़ी ले रहा हूँ, और मतलब मेरा एक ड्रीम था ये वाली गाड़ी का, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले सब हो मेरे साथ। तो बोलने लगा कि आंटियों से पूछो उनके बेटे को कभी ऐसा हो तो क्या वो छोड़ेंगी, वो सब बहुत कुछ ने मुझे बोला। मैंने कहा चलो तू मुझे वहां पहुंचने दे, मैं वहां जाके सत्संग शुरू करवा के मैं आ जाऊंगी। मेरा मन बहुत उदास हो गया, मैंने बोला गुरुजी मेरे मन में सुबह थॉट क्यों आया, आज आपने फिर यही काम कर दिया कि मुझे फिर उसके घर से वापस आना पड़ेगा। मुझे बहुत ज्यादा अंदर तक दुख हो रहा था, इतना मुझे दुख हो रहा था पिछली बार भी नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ पे आई तो मैंने आंटियों को बोला आप ही बोलना, अभी यश तो नाराज ही हो जाएगा, बोल ले बेचारा, कुछ कहता तो है नहीं मुझे, फिर भी आते ही मैंने इसको बोल दिया। पर मैंने गुरुजी को आते ही ना अरदास की, मैंने कहा गुरुजी आज कुछ ऐसा कर दो कि भाई टाइम यूं ही निकल जाए। फिर मेरे बेटे का मुझे फोन, मैंने उसको किया तो उसने बोला कि मैं आपको 1 घंटा पहले बता दूंगा तब आप निकलना। मैंने कहा चल ठीक है, कहते 2 बजे निकलना, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उसको 2 बजे कॉल किया तो उसने बोला कि अभी रुक जाओ आप, वो कह रहा है कि मैं 3:30-4 बजे गाड़ी दूंगा, तो मैं फोन करूंगा, आप मुझे लोकेशन भेजो कितनी देर का रास्ता है। मैंने कहा देख 1 घंटा 4 मिनट दिखा रहा है तो मैं आ जाऊंगी। बैठे रहे गुरुजी ने रंगोली की सेवा भी ले ली, चाय प्रसाद समोसे बरताने की भी ले ली, जो जो लेना चाहते थे सेवा। और उसके बाद मैंने फिर उसको मैसेज किया तो कह रहा कोई नहीं मैं आपको बता दूंगा। मैंने कहा मेरी ड्राइवर भैया से बात हो गई, इन्होंने कहा मैं आपको ओला करा दूंगा और ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा चलो गुरुजी कोई नहीं, मेरे पैसे एक्स्ट्रा लगने होंगे, लग जाएंगे जो आपने लिखे हैं, आए तो हम एक साथ ही हैं। फिर ऐसे करते करते ये टाइम आ गया और गुरुजी ने मुझे अभी तक घर से फोन नहीं आया, क्योंकि वो गाड़ी ही उन्होंने लेट करवा दी कि तू सा, और सच में उन्होंने मुझे बोला कि तू यहाँ से पूरी ब्लेसिंग लेके जाइयो गाड़ी लेने के लिए। और यश ने बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग रखी हुई है, शायद गुरुजी वो ब्लेसिंग दे के ही यहाँ से मुझे भेजना चाहते थे। और मैं सच कह रही हूँ, मैंने दिल से अरदास की थी कि आज ऐसा कुछ कर दो
कि गुरुजी आज का आज मेरे को पूरा सत्संग अटेंड करवा दो कैसे भी करके। और देखो कि मैं उसको भी नाराज नहीं करना चाहती थी, उसने मुझे बोला कि वो आपका छोटा बेटा है तो मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, वो है ज्यादा खास हो गया आज, मैं नहीं हूँ आपके लिए कुछ भी, आप अपने बच्चों को तो भूल ही गए हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, देखो मेरे लिए कौन खास है कौन नहीं सब आपको पता है। और आज गुरुजी ने वही सब किया। तो कहते हैं हाथ जोड़ के कर अरदास, गुरुजी सुनते हैं। और गुरुजी ना जरूर 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 सुनते हैं, ये बात बिल्कुल पक्की है। आप दिल से अरदास जब भी करते हो ना संगत जी, आप दिल से ना जो भी चीज मांगते हो ना वो आपको मिलती है, 100% मिलती है। पर आपका ना आपके भाव में ना हमेशा एक निस्वार्थ भाव होना चाहिए। आपके मन में अगर सेवा का भाव भी है तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अब हमें कोई बेटे से स्वार्थ तो नहीं है ना, कि हम तो प्यार में चले आते खींचे, वो हमारे घर प्यार में चला आता है। और मैं गुरुजी को यही कह रही थी, मैं क्या वो इतना आपका प्यारा सेवादार है, बिन बुलाए आता है, हर महीने आता है, सेवा करता है, सारे दरबार की सेवा करता है। और मुझे बड़ा दुख होगा अगर मैं चली गई तो। गुरुजी ने आज मेरी पुकार सुन ली और मैंने अपने बेटे को मैसेज किया 20 मिनट पहले और उसका अभी तक कोई मैसेज भी नहीं आया। कि मैंने उसको लिखा था कि अब हम 3:15 बजे एक साथ निकल जाएंगे, मेरे कैब के पैसे बच जाएंगे और मैं इनके साथ ही निकलूंगी और मैं 4:15 तक पहुंच जाऊंगी। तो वो भी उसको नहीं अभी मिली होगी। देखो गुरुजी ने लीला रची है ये। और गुरुजी ने उस टाइम मेरी परीक्षा ले रहे थे कि यही चीजें मैं आपको आज सत्संग मेरा ये शेयर करने का मतलब क्या है, असली मतलब। सेवादार भी सुने इस बात को, जब हम सेवा में होते हैं ना संगत जी, तो हमारे मन में भाव सिर्फ उस सत्संग और उस सेवा का होना चाहिए। जहां हम अपने वो कर्मज हैं, वो फैमिली है, उसको भी हमने देखना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ड्यूटी है, पूरी करनी है। ये नहीं गुरुजी कहते गृहस्थी को नाराज करके तुम सत्संगों में जाओ तो मैं तुम्हें ब्लेस नहीं करूंगा। पर सेवा एकदम सेवा में आए और गुरुजी ने हमारी परीक्षा ली और एकदम मैं भाव में बह जाऊं, मेरी मोह मेरा ममता है, मेरा बेटा मुझसे नाराज हो जाएगा और मैं आधे रास्ते से भाग जाती, तो गुरुजी मुझे देख रहे थे कि मैं कैसी सेवादार हूं, कि मैं इतनी मोह में हूं कि मैं इधर इस सेवा का मोह छोड़ के और मैं उस घर में जा रही हूँ, गाड़ी के मोह में जा रही हूँ मैं, कि मुझे अपने बेटे को पहले खुश करना है, उसको मुझे खुश करना है। लेकिन वो गुरुजी प्लानिंग करेंगे ना, हम थोड़ा प्लानिंग करते हैं। मैं प्लानिंग कर लेती मैं पहुंच जाऊं और सच में मैं ना पहुंच पाती, कहीं रस्ते में गाड़ी खराब हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, गुरुजी मुझे वही 4:45 ही पहुंचाते तो मेरे को कितना दुख होता इस बात का कि मैं सत्संग अटेंड कर लेती इससे अच्छा। तो इसीलिए आपके पास जब भी कोई संगत जी परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए ना, आप गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, सरेंडर कर दो, अपना दिमाग मत चलाओ। जहां हम अपना माइंड चलाते हैं वहां भी गुरुजी चुप हो जाते हैं। और गुरुजी अक्सर मुझे एक ही बात कहते हैं, जब तू अपना दिमाग चलाती है तो मैं मौन में चला जाता हूँ, जब तू अपना दिमाग नहीं चलाएगी, चुप रहेगी, तो मैं फिर बात करूंगा। हम जब चुप रहे, अगर हमें कोई कुछ कह भी देता है, बुरा भला लड़ाई झगड़ा, तो भी गुरुजी ने सिखाया कि तुम चुप रहो। गुरुजी कहते हैं तुम चुप रहोगे तो मैं तुम्हारे बदले उस इंसान को जवाब दूंगा, लेकिन अगर तुम बोलोगे मैं चुप हो जाऊंगा। और हमेशा मुझे यही बात कहते हैं। तो मैंने अपने बेटे को भी मना लिया और मेरे गुरुजी भी खुश हो गए और मेरा यश बेटा भी खुश हो गया और अंजलि बेटी भी खुश हो गई, शुक्राना, और मैं भी बहुत 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 खुश हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही आप हमारा वहां पकड़ लिया करो, कभी भी हम डगमगाने लगे तो हमें संभाल लिया करो। और सारी प्लानिंग गुरुजी की है, बस बात सिर्फ इतनी सी है कि वो आपकी परीक्षा लेते हैं जैसे हमारी लेते हैं। हम कोई हमें कोई भगवान ने वो नहीं लाल नहीं लगा के भेजे कि हमारे दुख ऐसे कट गए हैं, परीक्षा नहीं होगी। टेस्ट हमारे भी होते हैं और टेस्ट सबके होते हैं, पर उस टेस्ट को पास करने के लिए भी, क्लियर करने के लिए भी हमें अपने गुरु का सहारा चाहिए। सरेंडर कर दो, गुरु जी बैठे हैं आपके सहारे, जो जहां ले चलोगे वहां हम चलेंगे, जैसे कहोगे। हमने तो कैब के लिए बात कर ली थी, हमने तो सब कुछ कर लिया था, पर आपने नहीं जाने दिया। और आपने इसने मुझे कहा आपकी एक सेवा रह जाएगी, यश ने बोला। मैंने कहा क्या सब तो हो गया, कह रहे नहीं आप सत्संग नहीं शेयर करके जा रहे। तो फिर मेरे मन में, फिर मैं अंदर गई, फिर मैंने कहा इसको बुलाया, मैंने कहा ऐसे करूंगी जैसे मैं कैब में बैठूंगी ना तो मैं रिकॉर्डिंग करके ना अपना शुक्राना सत्संग तेरे को भेज दूंगी व्हाट्सएप पे और फिर तुम उसको यहाँ पे ऑडियो में चला देना। पर देखो भाव उसका था कि आंटी सत्संग भी शेयर करें, और सत्संग कौन सा शेयर कराया, आज ही का लेटेस्ट सत्संग, जो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। इसकी खुशी का तो मुझे नहीं पता, पर मैं बहुत खुश हुई। तो गुरुजी ने ना वो सत्संग भी मेरे से यहाँ कराना था, पूरा सत्संग करवाना था। थैंक यू सो मच। आज मेरे को लोड़ी सुबह से हम अमृत वेले से कह रहे हैं
हे गुरु जी सानू लोड़ी दे थोड़ी दे या ज्यादा दे। फिर उन्होंने अगली लाइन क्या बोली, असी लोड़ी तेरे तो मंगनी है, जबरदस्ती मंगनी है। तो आज उन्होंने मेरे को लोड़ी का गिफ्ट दे दिया। थैंक यू सो मच गुरु जी, लव यू गुरु जी।